स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा युवा महोत्सव मनाने की घोषणा की गई, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को उनके प्रतिभा का अवसर दिखाने को मिल सके। इसी तारतम्य में गुरुवार को विकासखंड पतरिया में जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल के द्वारा युवा महोत्सव मनाने की घोषणा की गई, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को अवसर प्रदान करना है। इसी तारतम्य में गुरुवार के दिन पथरिया विकास खंड में जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। शासकीय हाई स्कूल के पुराने प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में पथरिया ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों से पहुँचे प्रतिभागियों एवं क्षेत्रीय कलाकारों ने गीत संगीत तबला वादन पारंपरिक नृत्य के साथ साथ भिन्न भिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुति देकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में हाल ही में घोषित राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार की धूम रही। शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों से छात्र छात्राओं द्वारा छत्तीसगढ़ के लोकगीत नृत्य की विशेष तैयारी कराई थी। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद एवं माँ सरस्वती की छाया चित्र में माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद विभिन्न प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति देकर उपस्थित अतिथियों अधिकारियों एवं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिल्हा विधानसभा के छाया विधायक राजेंद्र शुक्ला ने युवा महोत्सव के आयोजन को प्रदेश सरकार की एक और उपलब्धि बताते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है, तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबका ख्याल रखते हुए जनहित में अनेकों फैसले किए हैं। युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम से आज ग्रामीण अंचलों में बसे विशेष प्रतिभागियों को सामने आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे युवा प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकेंगे। कार्यक्रम में पथरिया SDM ब्रिजेश सिंह छत्री, जनपद CO कुमार सिंह, पथरिया CMO रमेश पांडे, विकास खंड शिक्षा अधिकारी UL जायसवाल, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AR बंजारे, परियोजना अधिकारी रेखा दुआ, बिंदु सिंह समेत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों ने भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ACN 24।